जी, आज के इस अंक में हम किसी एक पर्टिकुलर रोग के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि एक ऐसी कमजोरी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी वजह से चक्कर आते हैं। व्यक्ति सीधा खड़ा है और उसको ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी दुनिया या आसपास का जो माहौल है वो बिल्कुल घूम रहा है और अपने आप को वो बिल्कुल डिसबैलेंस कर देता है। क्या है चक्कर आना? जब आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, खाया पिया पेट में जाके सड़ता है, इसकी गैस दिमाग में जाती है तो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब मेडिकल में तो इसको ग्लूकोज चढ़ाते हैं कि ये इसकी खून की कमी है, कई बहाने बना देते हैं। और जितने भी टेस्ट होते हैं उनमें कोई भी सही रिपोर्ट नहीं आती। और जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, इनको किसी को नाड़ी का ज्ञान नहीं। जो रोगी बताएगा उसके अनुसार वो दवाई देंगे, लाभ करे ना करे उनकी जिम्मेवारी नहीं। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि यहाँ पे जिम्मेवारी से काम किया जाता है। और चक्कर वाले रोगी के लिए नब्ज में जैसे ही उसकी बीमारी पकड़ी जाती है तो उसी के अनुसार उसको दवाइयाँ दी जाती है। रोगी से नहीं पूछा जाता, किसी मशीन का टेस्ट नहीं मांगा जाता। नाड़ी पृष्ठ में जब पता लगता है कि लीवर कमजोर है, खाना पचा नहीं है, गैस बनी है, तो नवाए पानी में नींबू का रस मिला के उसको पिलाया जाता है। नींबू का रस पिलाने के 10-15 मिनट के अंदर उसके चक्कर आने बंद हो जाते। जो गैस दिमाग में जा रही थी वो गुदा के रास्ते निकलना शुरू हो जाती है। फिर पानी जब भी इसको पिलाना तो हल्का गर्म पानी में नींबू का रस मिला के पिलाते हैं तो चक्करों का नामोनिशान नहीं रहता। और मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जब रोगी हर जगह हार जाता तब मेरे पास आता है। और जिन्होंने एक बार दवाई यहाँ से लेके खा ली वो दोबारा किसी की दूसरे की दवाई खाना पसंद भी नहीं करते और उनको उससे लाभ नहीं होता। देखिए, एलोपैथिक में दवाइयाँ सिर्फ तीन होती हैं, नाम कई रख दिए हैं, कोबरे सांप का जहर, मरे हुए जानवरों का डेंचूर और केमिकल, जिससे दवाइयों का टाइम रखा कि 2 घंटे शरीर सुन करना, 4 करना, 6 करना, 8 करना, 8 से फालतू सुन नहीं कर सकते। तो उसमें डॉक्टर वही दवाई देंगे जिससे उसका शरीर सुन हो जाए, उसको पता लगे मुझे यहाँ तकलीफ है। जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल का है, इनका काम है कि रोगी से पूछ करके दवाई देनी, वो दवाई लाभ करे ना करे उनकी जिम्मेवारी, वो जिम्मेवारियाँ सारी उन फार्मेसी में दवाइयाँ बनाते हैं। जब किसी दवाई का नुकसान पूरा नहीं तो रोग कहाँ से कटेगा? परंतु स्वास्थ्य विचार में नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेके मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण के लिए जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT scan, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके अनुसार रोगी को दवाइयाँ दी जाती हैं, दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ, दांत का मंजन है। जब ये दवाई रोगी को दी जाती है, रोगी नियम से खाता है, तो उसी दिन 2 घंटे के अंदर अंदर कम से कम रोगी को 15 से 20% आराम मिल जाता है। 15 दिन की दवाई से 50 से 60% आराम मिलता है। महीने
1.5 महीने में रोग समाप्त होता, दवाइयाँ बंद हो जाती है। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन खानी जितने दिन रोग है, रोग समाप्त हो गया दवाइयाँ बंद हो गई। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। थोड़ी दवाई खाएंगे तो भी लाभ ही देगी, ज़्यादा खा ली तो भी लाभ देगी, नुकसान नहीं देती। और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों को पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और आज मैं डांके चोट पे कहता हूँ कि जिसका उपचार कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। यहाँ पे पैर के तलवे से सिर के बाल तक का बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी है, किसी किस का रोग है, सबका उपचार किया जाता है। और यहाँ पे किसी को बहकाया नहीं जाता। जिसका रोग 90% तक का उसको दवाई दे देता हूँ, जिसका 90 से ऊपर है उसको इनकार करता हूँ, मैं दवाई नहीं दूंगा, क्योंकि आपको दवाई का लाभ होना नहीं, मैं दवाई दे के क्या करूँ।